हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब दोस्त? आई होप कि सब दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी स्पेशल होगी, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी गलती से डिलीट हुई वीडियो को रिकवर कर सकते हो या फिर रिस्टोर कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप दोस्तों के लिए। अगर आपसे कहीं किसी भी वक्त कोई वीडियो डिलीट हो जाती है, तो वो वीडियो आप एक एप्लीकेशन के थ्रू किस तरीके से वापस ला सकते हो। तो बहुत प्रूफ के साथ आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि एक चीज़ मैं डिलीट भी करूंगा और उसको रिकवर करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको रिकवर कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो औरंगजेब टेक्निकल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, वहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन का नाम है वीडियो रिकवरी बीटा। तब इसको आपने डाउनलोड करने के बाद जस्ट ओपन कर लेना। ये एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की है, इसको आपने ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर आइकन भी आपको नज़र आ रहा है, और ओपन करने के बाद कुछ परमिशन देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये वाला इंटरफेस आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई रिकवरी जो आपकी जो कोई वीडियो है वो आपकी कार्ड में थी, मतलब SD कार्ड में थी, तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑल टू रिकवर SD पर टिक कर देना। अगर नहीं है तो आपने इस टिक को हटा देना है। तो उसके बाद यहाँ पर दो मेथड दिए गए हैं, रिकवरी मेथड 1 और रिकवरी मेथड 2 है। तो आपने 1 पर सेलेक्ट करना, अल्गोरिथम वाला 1 पर जो सेलेक्ट कर दें तो नीचे स्टार्ट का बटन दिया गया, इस स्टार्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपकी जितनी भी वीडियोस इस मोबाइल के अंदर डिलीट हो चुकी हैं वो सारी की सारी A to Z तक आपकी रिकवर हो जाएंगी। लेकिन एक वीडियो जो है वो नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि मेरी एक वीडियो डिलीट हुई है। तो मैंने वो काफ़ी ट्राई किया कि वो वीडियो मेरी वापस आ जाए, पर नहीं। वो कौन सी वीडियो थी? वो वीडियो थी जो मैंने कैमरे से शूट की थी, जो मैं कैमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई। तो मैं वापस लाना चाहा लेकिन वो वापस नहीं आ सकी। तो ये जेन्युइन बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कोई नहीं बताएगा कि क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं और क्या इसके अंदर नुकसान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 100% आपकी वीडियो जो है जब 100 पर चली जाएगी तो उसके बाद की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आ जाएंगी आपकी गैलरी के अंदर। आपकी गैलरी के अंदर मैं आपको चल दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ, आगे चल के आपको दिखा देता हूँ क्या आपको करना है, तो बाद में जो प्रॉब्लम आई वो आपको फेस करना ना पड़े, इसलिए मैं आपको मुकम्मल बता दूँ। तो काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, तो मैं भी ख़त्म करना चाहता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगला जो प्रोसेस होने वाला वो भी आपको ज़ाहिर कर दूँ, वो भी आपको दिखा दूँ। सो गाइस, जब आपके 100% कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फिनिश का। तो जस्ट आपको सिंपली फिनिश पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है सिंपल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप क्लिक नहीं भी करते बैक हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं, आप बैक गैलरी में आ जाएँ। तो गैलरी में मैं आपको आकर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपकी आँखों के सामने मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी यहाँ पर देख सकते हैं ऑल रिकवरी, यानी कि ऑल रिकवरी 884 वीडियोज़ जो मेरी रिकवर हो चुकी हैं। मतलब जितनी भी मेरी वीडियोज़ डिलीट हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले भी, तो वो सारी की सारी यहाँ पर रिकवर होकर मेरे सामने आ गई हैं। ये वाला फोल्डर जो है ये ऑल रिकवरी वीडियो डिलीट वाला फोल्डर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना, मतलब कि कितना कुछ यहाँ पर रिकवर हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत ज़्यादा वीडियो रिकवर कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को आपने सिंपली डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन का नाम भी आपको पहले मैंने बता दिया है। इस एप्लीकेशन का नाम जो है वो आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है इस एप्लीकेशन के अंदर तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम अगली किसी और एप्लीकेशन के अंदर आपको बताकर आपको तरीका बता दूंगा, वो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इस तरह के एप्लीकेशन हैं, लेकिन मैं आपको वही एप्लीकेशन बताऊंगा जो सबसे अच्छी होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, शेयर करना भी बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, और साथ में घंटी भी दबाना बनता है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।